हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता। स्वागत है आपका कविताज मसाला किचन में। आज हम बनाएंगे पके हुए केले की एक ऐसी मिठाई जिसे बनाने के लिए ना ही आपको कोई मावा और ना ही कोई चाशनी बनाकर तैयार करना है। बिल्कुल बेसिक सामान से हम ये मिठाई बनाएंगे और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप बेसन लिया है। जिस कप से मैंने बेसन लिया है उसी कप से 1/2 कप चीनी लिया है जिसे बारीक पीस लिया है, 1/2 कप घी लिया है, 10 से 12 बादाम लिए हैं जिसे बारीक काट लिया है, 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर लिया है और 3 पके हुए केले लिए हैं। पहले हम केलों को छील कर उसका बारीक सा पेस्ट बनाकर रख लेंगे। और गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास ऐसी इजी और टेस्टी रेसिपीज की वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। देखिए गाइज, आपको भी बिल्कुल ऐसा ही बारीक पेस्ट बनाना है जैसा मैंने दिखाया है आपको वीडियो में। अब हम इसे साइड में रखेंगे और बेसन को भूनना स्टार्ट करेंगे। बेसन भूनने के लिए मैं यहाँ पर घी का यूज़ करूँगी। घी से हमारी मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगी। अगर आप घी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप वनस्पति डालडा या फिर रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये मिठाई घी में ही बनाएं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम बेसन को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे जब तक कि बेसन का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता और इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। हम यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करेंगे। अगर हम हाई फ्लेम पर बेसन भूनेंगे तो आपको लगेगा कि बेसन आपका जल्दी भुन जाएगा, बट ऐसा नहीं है। बेसन अच्छे से भुनता नहीं है, वो जल जाता है जिससे हमारी मिठाई का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए भूनेंगे। जैसे जैसे हमारा बेसन भुनता जाएगा ये जो टेक्सचर है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि बेसन भुनने के बाद घी को रिलीज कर देता है। देखिए गाइस, हमारा ये जो टेक्सचर है बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, मतलब कि बेसन हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे केले का पेस्ट जो हमने बना के रखा हुआ था और इसे भी लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से बेसन में मिला देंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद करके इसे अच्छे से मिला सकते हैं बेसन में। जब पेस्ट अच्छे से मिल जाएगा तो आप गैस को ऑन करके फिर इसे पका सकते हैं। देखिए गाइस, हमारा ये जो बेसन है अच्छे से पेस्ट में मिल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी और इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे जब तक कि केले का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। बेसन में पेस्ट डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनेंगे। थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे फिर इसे भूनेंगे। गाइज, आप एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका और ये बहुत ही बेसिक सामान से बनकर तैयार हो जाती है। इसे बनाने में भी आपको ना ही कोई चाशनी बनानी है और ना ही कोई मावा या फिर खोआ यूज़ करना है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनकर ये मिठाई तैयार होती है। जैसा मैंने आपको दिखाया है वीडियो में, आपको बिल्कुल ऐसे ही दबा दबा कर बेसन को भूनना है। और गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास ऐसी इजी और टेस्टी रेसिपीज़ की वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। और मैंने अपने चैनल पर ऐसी बहुत सी रेसिपीज़ अपलोड की हैं गाइस, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। मैंने एक और मिठाई की रेसिपी अपलोड की है जिसे मैंने आटे से बनाया था, गेहूँ के आटे से। उसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा है, आप उसे भी जाकर बना सकते हैं। देखिए गाइस, हमारा ये जो टेक्स्चर है कितना स्मूथ तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर जो हमने बना के रखा हुआ था और चीनी का पाउडर, और इसे भी लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हम इसमें अच्छे से मिला देंगे जब तक कि हमारा ये जो सारा टेक्स्चर है ये स्मूथ नहीं हो जाता। आप चाहें तो इस स्टेज पर, अगर आपको लगता है कि आपका जो टेक्स्चर है वो स्मूथ नहीं हो रहा, तो आप इसमें थोड़ा सा घी या फिर 1/4 कप दूध डाल सकते हैं जिससे आपका जो टेक्सचर है बिल्कुल ऐसा स्मूथ हो जाएगा। मैंने परफेक्ट माप लिया था इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको लगता है तो आप 1/4 कप दूध या फिर थोड़ा सा घी डाल के उसे थोड़ी देर भून लेंगे तो आपका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा ही आ जाएगा। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे थाली पर फैलाएंगे। देखिए गाइस, हमने एक थाली ली है। आपके पास कोई भी कंटेनर हो आप उसमें घी को हल्का सा हाथ पर लेकर उसे ग्रीस कर दे थाली पे या फिर आप जो भी बर्तन ले रहे हो उसमें। अब हम इसमें डालेंगे सारा हमारा टेक्सचर जो हमने बना के रखा हुआ था। इसे हम धीरे धीरे फैला देंगे, ध्यान से फैलाएंगे। अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे तो हाथ हमारा जल जाएगा, इसलिए हम धीरे धीरे आराम से फैलाएंगे इसे। जब हमारा ये अच्छे से पेस्ट सारा फैल जाएगा थाली में, तब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे
आधे घंटे के लिए या फिर आप बाहर भी इसे रख सकते हैं एक घंटे के लिए। देखिए गाइस, हमारा ये जो मिठाई का बेस है ये बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। मैंने इस पर बादाम भी गार्निश कर दिया है बादाम से। आप चाहे तो किसी भी ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं, जो भी आपके पास काजू बादाम पिस्ता हो। मैंने सिर्फ बादाम लिया है, इसे हम पीसेस में काट लेंगे। हमारी ये जो मिठाई है बनकर तैयार हो चुकी है। कितना अच्छा कलर और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है गाइस, आप एक बार इसे जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। और अब तो त्यौहार भी आने वाले हैं तो आप इसे त्यौहार के मौके पर भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका, आप जिसे भी खाएंगे वो आपकी तारीफ भी करके जाएगा। ये लिखवा लो आप मुझसे। तो गाइस आप भी बनाइए और खाइए और मुझे कमेंट में बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।